Okay. नमस्कार, पंकज महाजन दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका। 76 76 दोस्तों का साथ, समय 3:27। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपडेट्स की तरफ। स्क्रीन शेयर किया जा रहा है। 25 अक्टूबर दोस्तों, 25 अक्टूबर की डेट और हमारे बीच अपडेट्स। दोस्तों कल आफ्टर मीटिंग एक अपडेट दिया गया, आइए देख लेते हैं यहाँ पर आफ्टर मीटिंग जो अपडेट आया। दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ सेक्टर 3 नोएडा डी 13 के कॉन्फ्रेंस हॉल में हम आ चुके हैं और ये देखिए हमारी सिंघम लेडी मीनू रॉय जी आई हुई है और मैडम ने जो है दीक्षित जी को अभी जस्ट प्राइम कराने जा रही हैं और प्राइम हो चुके हैं सर। और जो है सर को तुरंत जो है 2360 का बोनस भी मिल चुका है और सर जो है जल्दी जल्दी अपना जो है ये देख सकते हैं आप 2360 रुपए का ये बोनस मिल चुका है और दीक्षित जी है और जरा दो सब संदेश के माध्यम से दीक्षित जी देंगे लाखों यूजर जो घर में बैठे हुए हैं मूवीटेक फैमिली के, तो दो सब जरा संदेश के माध्यम से दीक्षित जी दीजिए। कैसा लगा आपने मूवीटेक पे में प्राइम मेंबरशिप लिया और कितना जल्दी आपका जो है 10 ब्रॉन्ज रैंक क्वालिफाइड हो जाएगा। जी हाँ दीक्षित जी, दो सब संदेश के माध्यम से दीजिए। जी हाँ, अपना परिचय और कितने दिन में आपका 10 ब्रॉन्ज रैंक क्वालिफाइड हो जाएगा। जी हाँ, दो सब दीजिए दीक्षित जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश दीक्षित जी। साहबाबाद रहता हूँ मैं जी। कैसा लगा आपको मूवीटेक एप्लीकेशन, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो कितने दिन में आपका जो है ब्रॉन्ज रैंक क्वालिफाइड हो जाएगा, 10 लोग कर सकते हैं आप? जी हाँ, 2 हफ्ते 1 हफ्ते। जबरदस्त जबरदस्त। चलिए तो देखा दोस्तों आपने, तालियां बज रही है और कमिटमेंट लिए जा रहे हैं। 2 हफ्ते में, 1-2 हफ्ते में बताया ब्रॉन्ज रैंक अचीव हो जाएगा। दोस्तों ऑफिस में बैठ के ज्वाइनिंग हो रही है ये, और आप कहीं पर भी मोबिटेक एक ऐसी एप्लीकेशन है, आप कहीं पर भी मोबिटेक को ज्वाइन कर सकते हो, वर्किंग कर सकते हो। अगर आप रोड पर है, रोड पर खड़े हैं तो वहां पर ये वर्किंग हो सकती है। अगर आप कहीं पर ऑफिस में है तो वहां ये वर्किंग कर सकते हो। डिजिटली चाहो तो डिजिटली भी ये वर्किंग हो सकती है। दोस्तों मोबिटेक में किसी को ज्वाइन कराने के लिए किसी नेटवर्कर को ढूंढने का जरूरत नहीं है। यहां पर हर वो इंसान वर्किंग कर सकता है जो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे इस्तेमाल करता है, जिसके हाथ में एक स्मार्टफोन है, जो मोबाइल रिचार्ज करता है। तो दोस्तों बहुत इजी है और करते करते दोस्तों कहीं ना कहीं पर कोई आप जैसा डुप्लीकेट मिल ही जाता है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के अपडेट्स और जैसा कि बताया गया कि मोबिटेक व्यस्त है स्वागत के लिए आप सभी के, इसीलिए अपडेट्स देख रहे हैं आप, लिमिटेड अपडेट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों वेट कीजिए, ठीक है, इवनिंग में हो सकता है हमें और भी कुछ खास अपडेट देखने को मिले। बहुत से अपडेट्स हैं और अचानक से ही आने वाले हैं, अपनी तैयारी कंप्लीट कर लीजिए। कहां पर आने की? एलडीपी में आने की, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, वक्त है सवाल जवाब का। दोस्तों सवाल और जवाब के लिए सभी दोस्तों का यहां पर स्वागत है। किसी भी दोस्त का, किसी भी भाई का, कैसा भी सवाल हो उस सवाल के साथ आपका वेलकम है। कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब हो आपके पास, आप शेयर करना चाहते हो, उस जवाब के साथ भी आपका वेलकम है। या फिर कोई ऐसी बात, ऐसी शेयरिंग जो आप देना चाहते हैं हमारे बीच में, उस शेयरिंग के साथ भी आपका स्वागत है। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर रामनिवास जी ने हैंडराइज कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ रामनिवास जी का हैंडराइज है। दोस्तों अगर पहले और किसी दोस्त ने हैंडराइज किया हुआ था तो वो बाय डिफॉल्ट ऑफ हो गया है, अपना दोबारा से हैंडराइज कर लीजिए ताकि मैं आपको ऑन कर सकूं और सवाल जवाब के सेशन को हम आगे बढ़ा सके। रामनिवास जी आपको ऑन किया गया है, वेलकम है। बाबुली सेठी जी आपको भी ऑन कर दिया गया है। के मिश्रा जी, मिश्रा साहब आप भी ऑन है यहाँ पर। दोस्तों 3 दोस्त ऑन हो चुके हैं। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार, बिल्कुल सर, वॉइस आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, प्लीज वेलकम है सर आपका। जी सभी साथियों को गुड आफ्टरनून और सर जी आपको भी। सर जी हमारा सवाल तो कुछ नहीं था, बस हम इतना सा पूछ रहे थे कि वो जैसे अपन बिल पेमेंट कर रहे हैं तो अभी चालू है ना सर जी वो? सर बिल पेमेंट चालू है, बिल पेमेंट कर सकते हो आप।
जी हाँ, सर नमस्ते। और समस्या जी तो और जी कुछ नहीं, वो एक तो आती रहती है और हल भी निकलता जाता है वो तो। ओके, बस इतना सा पूछना था गुरु जी। अच्छा, आपने लिखा हुआ है मोबिटेक अपनाओ रोजगार पाओ। ओके, रामनिवास जी कहाँ से, कौन सी जगह से हैं आप? सर जी, मैं सेल्फ रामनिवास धनगर मंदसौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, एमपी से है आप। ओके, जी अभी जी कितना टीम हो गया रामनिवास जी आपका? सर जी, पूरी टीम हो गई, टोटल हमारी 327 लोग। 327। ब्रॉन्ज रैंक अचीवर है आप। एलडीपी को जी लेके क्या तैयारियां है रामनिवास जी आपकी? जी सर जी, बिल्कुल इसमें चर्चा चल रही है, बाकी वर्किंग कर रहे हैं इस पे। जी ओके ओके, चलिए ठीक है रामनिवास जी, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में बाबुली सेठी साहब। सर वेलकम है सेठी साहब आपका। सर नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार सेठी जी, स्वागत करते हैं आपका, प्लीज वेलकम है सर मैं उड़ीसा से बात कर रहा हूँ सर। जी। सर ये जो 10 आदमी के जो ज्वाइन करना है, 1 महीने के अंदर ज्वाइन करना ना 1 दिन में ना, कैसे है सर? कौन से 10 जो एलडीपी में आने के लिए बात हो रही है? सर सर मैं तो अभी 5-6 दिन में आईडी बनाया, तो अच्छा मेरा अच्छा अपलाइन बोले 10 आदमी ज्वाइन कराओ, तो 1 महीने के अंदर ज्वाइन कराना ना 1 दिन में ना, कैसे है सर वो? ओके, एलडीपी में आना चाह रहे हैं आप? सर नहीं, अच्छा, सर ब्रॉन्च ब्रॉन्च की बात कर रहे हैं या किस सर चीज के लिए? 10 आदमी ब्रॉन्ज क्या बोल, क्या बोल के बताया गया? मतलब मैं एक भी उनका आईडी मतलब ग्रीन नहीं बनाया, वो 1180 रुपये कोई भी मतलब ज्वाइन नहीं किया, कोई भी फ्री में आईडी बनाया मैंने सब। ठीक है, अभी आपने अपना आईडी तो प्राइम किया है। नहीं बस मतलब मैं 1180 रुपया आईडी मतलब वो आईडी क्रेडिट कर दिया, लेकिन वो लोग का 1 महीने का अंदर करना पड़ा ना, 1 दिन का अंदर करना पड़ेगा 10 आदमी का। नहीं यार, एक मिनट, ठीक है सेठी साहब, मैं ये समझ गया आपका सवाल है ब्रॉन्च को लेके, बट मैं ये अभी तक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या आप अपना आईडी 1180 से ग्रीन कर चुके हैं? सर हो गया सर मेरा। ओ, आपका हो गया ना। ओके, अभी आप चाहे तो 1 दिन में कर सकते हैं उन्हें ब्रॉन्च, ठीक है, चाहे सर तो ओके 2 दिन में कर सकते हैं, चाहे 10 दिन में कर सकते हैं, चाहे जितना मर्जी टाइम ले सकते हैं, पर सर 10 लोग प्राइम करते ही सर आप यहाँ पर ब्रॉन्ज रैंक अचीवर हो जाएंगे, आपको रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाता है, डेली इनकम के सर बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, सर और 5-6 दिन हुए हैं आपको, तो रात के 9 बजे सर वाले सेशन में आते हैं आप। सर आ तो काल नहीं था, क्यों ना अपना उड़ीसा में फुल बारिश गिर रहा है, इसलिए नहीं था, नेटवर्क पता थोड़ा है मुझे प्रॉब्लम सर, था। पता है मुझे साइक्लोन आ रहा है उड़ीसा से, मेरे अपलाइन सुदीप सर भी है उड़ीसा से ही है, वो बताया था उन्होंने, साइक्लोन 100 किलोमीटर दूर उनके एड्रेस से जो है, सर और सर अभी ऐसे तो चला गया वो, तो क्लियर हो गया वहां पर से, तो अभी जी फिर मीटिंग में रुकूंगा सर। बिल्कुल, आप आइए 2-3 मीटिंग में आइए, कहीं जरूरत पड़े तो हमारे बीच में आइएगा, ठीक है। थैंक सर सर ठीक यू, थैंक यू सर है साहब। सर। दोस्तों, उड़ीसा में एक साइक्लोन बहुत जबरदस्त तरीके से आया और कई घर जो है खत्म हो गए, कुछ लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम, हमारे बीच में रघुवीर पुनिया जी आ गए हैं, पुनिया जी का स्वागत करते हैं दोस्तों। पुनिया सर वेलकम है आपका, रघुवीर पुनिया जी हरियाणा से, वेलकम है पुनिया सर। एक सेकंड रघुवीर जी, माइक ऑन करके आप आ सकते हैं, आपको ऑन कर दिया गया है। चलिए रघुवीर जी अभी लगता है माइक नहीं ऑन कर पा रहे। के मिश्रा साहब, मिश्रा जी हेलो, आपका भी, हाँ जी पुनिया जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? नमस्कार हाँ पंकज जी, जी। सर सभी को लॉगिंग में अपडेट दिखा रहा, लॉगिंग नहीं हो रही है एप्लीकेशन, उसकी एक प्रॉब्लम चलिए है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसकी एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है सर के फोन की सेटिंग में जाके जहां पर सभी एप्स हैं, एप्स को खोल करके मोबीटेक पे थोड़ी सी देर उंगली से दबा के रखें, उसका डाटा क्लियर कर लीजिएगा। ये आज चलिए पूरे दिन से प्रॉब्लम चली हुई है। चलिए ठीक है, थैंक यू। दोस्तों रघुवीर पुनिया जी आए हमारे बीच में, और बिल्कुल ऐप प्रॉब्लम को, ऐप का प्रॉब्लम जो चल रहा है, एक बार यहाँ स्क्रीन शेयर करके बता देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और इजी रहेगा, जस्ट एक सेकेंड।
दोस्तों स्क्रीन शेयर किया जा रहा है। चलिए अभी स्क्रीन भी नहीं शेयर हो पा रहा। ठीक है दोस्तों अभी देखते हैं, अगर स्क्रीन शेयर हो जाता है तो आपको इसके बारे में बता देते हैं। अभी वर्बली बताए थे पुनिया सर ने, बताया मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपकी एप्लीकेशन जो है, जिस भी दोस्त की, जिस भी भाई की एप्लीकेशन वो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उस एप्लीकेशन का जो आइकॉन है उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर होल्ड करेंगे, ठीक है, वहां पर होल्ड करेंगे अपनी उंगली को। होल्ड करने पर दोस्तों पांच ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें ऐप इन्फो का एक ऑप्शन आता है। उस ऐप इन्फो के ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपका एप्लीकेशन का होता है ना, कई अलग अलग फोन में अलग अलग ऑप्शन आते हैं, ऐप मैनेजमेंट आता है, किसी के पास कुछ और आता है, तो जस्ट आपको वहां पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे काफी सारा ऐप आ गया, काफी सारी एप्लीकेशन जो भी आपके फोन में होती है, उन एप्लीकेशन को आप बॉटम टू टॉप मतलब नीचे से ऊपर स्क्रोल करते जाएंगे, वो अल्फाबेटिकली होता है, तो नीचे जब आपको मोबीटेक एम कॉलम में दिख जाएगा, वहां पर जब आप जाएंगे तो एक वहां पर स्टोरेज का ऑप्शन होता है, तो वहां पर स्टोरेज पे जब क्लिक करेंगे तो क्लियर कैच या क्लियर डाटा ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है, वहां क्लियर डाटा पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लियर डाटा पे आप क्लिक कर देते हैं, आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। सुबह से काफी दोस्तों के कॉल आए हमारे पास, ठीक है, और नहीं होता तो कोई बात नहीं, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया, एक बार दोबारा हम समझाएंगे। गुलाम रबानी साहब, गुलाम जी, मैं रबानी साहब आपका नंबर बाई चांसली पता नहीं, मैं कॉल कर रहा था आज आपको, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कॉल करेंगे मुझे आप, और स्वागत करते हैं सर, आपने हैंड रेस किया था। गुलाम रबानी जी वेलकम है सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार जी। मेरा नाम गुलाम रबानी, गोल्ड रैंक इसी बार बरपटा डिस्ट्रिक्ट आसाम से बोल रहा हूँ। सर मेरे को क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, थोड़ी क्वेश्चन है। जो पॉइंट जो है, बोनस पॉइंट है जो है, एक लोगों को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे को देगा, लेकिन वो हिस्ट्री नहीं मिल रहा है सर, हिस्ट्री कहाँ से निकलेगा? ठीक है गुलाम रबानी जी, एक सेकंड ये बताते हैं, स्क्रीन ऑन हो गया पहले जो यहाँ पर बताया गया था, एक बार वो भी आंसर दे देते हैं दोस्तों। देखिए संजय सर मेरा वॉइस आ रहा है, या गुलाम रबानी साहब मेरा वॉइस आ रहा है ना? आ रहा है सर, क्लियर क्लियर। मैं बता रहा था दोस्तों, जिस भी दोस्त की टीम में उनका एप्लीकेशन ऑन नहीं हो रहा, आपने क्या करना है, ये आप मोबीटेक की ये देखिए, ये एप्लीकेशन देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहे दोस्तों, तरह से देखिए, मेरा भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया। अब देखिए ये पांच ऑप्शन आया, मैंने कैसे ये ऑप्शन आया, मैंने सिर्फ इसको होल्ड करके रखा, ठीक है, ऐप इन्फो रिमूव अनइंस्टॉल शेयर एडिट, पांच ऑप्शन आ गया यहाँ पर, ऐप इन्फो पे चले जाना है आपने। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ सर। अच्छा हट गया क्या स्क्रीन? हाँ स्क्रीन शेयर नहीं हुआ सर, एक सेकेंड रुकिए। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था सर, अभी हो रहा है? हो रहा था सर। ओके, हो रहा है, ओके। हो रहा है ना? चलिए अभी दोस्तों ये मोबीटेक की एप्लीकेशन है, ये देख पा रहे होगे आप, ठीक है। इस एप्लीकेशन में आपने ऐसे उंगली प्रेस करनी है और होल्ड करना है, तो ऐसे पांच ऑप्शन खुल जाएंगे, मैं एक बार और करके दिखा रहा हूं, अपना उंगली प्रेस किया और होल्ड किया तो ये पांच ऑप्शन खुल जाएंगे, ऐप इन्फो रिमूव अनइंस्टॉल शेयर और एडिट, ठीक है। इसमें हमने ऐप इन्फो के ऑप्शन पे आ जाना है, जब हम ऐप इन्फो के ऑप्शन पे आ जाते हैं तो यहाँ पर स्टोरेज यूजेज आता है, स्टोरेज यूजेज में हमने क्लिक कर लिया, क्लियर डाटा दोस्तों, क्लियर डाटा यहाँ पर आएगा, ठीक है, और क्लियर कैच आएगा, आपने क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे दोस्तों, मैं क्लिक करने से पहले एक बार एप्लीकेशन दिखाता हूं आपको, ये देखिए एप्लीकेशन अभी मेरा रनिंग है, ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये एप्लीकेशन रनिंग है। अब अगर मैं यहां पर क्लियर डाटा में क्लिक करता हूं तो ये हो गया जीरो, डाटा भी जीरो और कैच ये भी जीरो हो गया। अब अगर मैं एप्लीकेशन में जाता हूं दोस्तों, तो आप ये देखेंगे कि मैं बाय डिफॉल्ट लॉग आउट हो गया हूं, ठीक है, ये मुझसे दोबारा से पूछने लग गया, न्यू यूजर या ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, मैं उसमें आ गया और यहां पर अपना नंबर वगैरह आपने डाला, पासवर्ड डाला, या लॉग इन यूजिंग ओटीपी से आपने अपना एप्लीकेशन ओपन कर देना, आपका एप्लीकेशन डेफिनेटली 100% ऑन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त देख पाए होंगे, तो इस तरह की किसी भी दोस्त को प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनकी हेल्प कीजिएगा। हाँ अभी गुलाम रबानी साहब, बोनस पॉइंट को लेके जो आपने सवाल किया है उसका हिस्ट्री आप नहीं देख पा रहे गुलाम रबानी साहब, अभी इसके लिए ना पूरा एक
प्रोसेस जो सिस्टम है वो अपलोड किया हुआ है और अभी तक वहां पर रिक्वेस्ट जो है गूगल से इनिशियल ही नहीं हो पाई है, इसीलिए आप हिस्ट्री देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ओके सर। तो आप जस्ट एक सेकंड रवानी साहब, मेरा नंबर है ना आपके पास? हाँ सर। सर एक बार प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा, मैं ना आज आपका नंबर लगा रहा था, पता नहीं किस नाम से सेफ है, मुझे कुछ बात भी करना था सर आपसे, तो एक बार प्लीज आफ्टर मीटिंग सर कॉल कीजिएगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। दोस्तों गुलाम रबानी साहब गोल्ड भी है, बीडीएम भी है, आसाम की वादियों में ग्राउंड लेवल पे काम करके ये रैंक हासिल किया है सर ने, एक बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं सर। चलिए, हेलो सर। हाँ जी, हेलो जी, नमस्कार जी। जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी, महेश राय साहब हरिद्वार से, राय साहब स्वागत है आपका, वेलकम है, बोलिए सर। ऑल वेल सर, परफेक्ट, आप बताइए आप कैसे हैं जनाब? हम भी ठीक है सर, मंच पे बैठे सभी दोस्तों को नमस्कार। सर मेरा एक सवाल था, सवाल ये था कि जैसे कि हम किसी भी ऐप में, जैसे इंश्योरेंस में या फिर मतलब किसी भी साइड पे हम लोग जाते हैं ना, तो वहां से अगर एक बार जैक बटन दबा देते तो पूरा भरा हुआ खत्म हो जाता है। बिल्कुल, तो ये फिर से हमें भरना पड़ता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ बिल्कुल गणेश साहब, ये है, ये बता चुके हैं यहाँ पर। ओके, और भी कोई सवाल है सर, या बस यही? बस यही था सर, हाल तो फिलहाल यही है। चलिए थैंक यू मैं सर, इस चीज के लिए हम बता चुके हैं, और वो क्या होता है, हमें छोटा छोटा चीज इधर उधर से मोबिटेक से भी रिक्वेस्ट है, हमें कलेक्ट करके लिखना पड़ता है वहां पर, हम इतनी मेहनत करके लिखते हैं, और होता क्या है कि एक छोटी सी गलती से जो है बैग चला जाता है, तो वो मेहनत हमें दोबारा करना पड़ता है। तो इसके लिए महेश सर चल रहा है, सिस्टम पे काम चल रहा है कुछ चीजों को लेके, पर अभी इनिशियल वे पे जो है अभी हम EMI और बिल पेमेंट जो LIC जो है हमारा उस पे हम काम कर रहे हैं, उसके बाद ये आगे चीजें रोड मैप में है और इन पर भी काम करके इन्हें इम्प्रूव किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सभी दोस्तों को ऑन किया हुआ है, एक एक करके सभी दोस्त अपने आप से आगे आ जाइए। नमस्कार सर। पंकज जी नमस्कार, स्वागत करते हैं सर आपका जी। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। ये कह रहे थे, हाँ जी, एक की ज्वाइनिंग मैंने 20 अक्टूबर को की जी, लेकिन वो 7 अप्रैल दिखा रहा है। 20 अक्टूबर को आपने ज्वाइनिंग करी जी सर? किसकी एप्लीकेशन की, मतलब अपनी या अपनी टीम में किसी की? टीम में किसी की, टीम में किसी की थी ना जी सर। उनको उनको प्राइम किया या फ्री रजिस्ट्रेशन किया? प्राइम। हाँ जी प्राइम किया है ना, आवाज कट रहा है पंकज सर आपका। दूसरे दिन प्राइम भी कर दिए, दूसरे दिन प्राइम किया, पहले दिन रजिस्ट्रेशन करा जी। देखिए ये वैसे तो सिस्टम पे चेक करके, हाँ सिस्टम पे चेक करने के बाद पता लगेगा, अभी आप और मैं तो मतलब एक ही लीडर है हम दोनों, तो हमारे पास तो खैर इसका आंसर नहीं, लेकिन मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि कभी उन्होंने आपके लिंक को देखा हो 7 अप्रैल में, गलती से क्लिक कर दिया हो लेकिन रजिस्ट्रेशन ना किया हो, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है ना वो कंप्लीट ना किया हो, तो आपने क्या किया कि उन्हें कल जो है कंप्लीट करा दिया और आज जो है प्राइम करा दिया, तो इसीलिए वो पिछला डेट दिखा रहा है कि जिस समय में क्लिक हुआ। मोबिटेक के लिंक की मैं दोस्तों आपको एक खासियत बता देता हूँ, मोबिटेक का रेफरल लिंक कोई गलती से छू भी लेगा ना आपका, कोई भी छू लेगा गलती से, और अगर वो छूके एक आधा स्टेप आगे बढ़ने की जैसे होता है ना कोशिश करते हैं, फिर नहीं होता तो हम डिलीट कर देते एप्लीकेशन और फिर हम अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं, लेकिन मोबिटेक के सिस्टम में वो एंट्री चढ़ जाती है। अच्छा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग अगर मैं भी करा रहा हूं तो वो भले ही मेरे रेफरल लिंक से क्लिक करके अंदर चले जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे आपके नीचे, तो आप ही के लिंक में 7 अप्रैल को कभी उन्होंने गलती से क्लिक कर दिया होगा, लेकिन उन्होंने समझ में नहीं आया होगा, और जैसे जैसे आप सिस्टम ग्रो कर रहा है तो आप उन तक पहुंचे या वो आप तक पहुंचे, तो ये रीजन हो सकता है। ठीक है, ये जस्ट मेरा अंदाजा या एक एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है, वो मैंने शेयर किया आपसे जी। नमस्कार, ठीक है सर, यही जानना चाहता हूं जी। जी थैंक यू।
दोस्तों सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी पर्सन ना अचानक से एक दिन में नहीं लग जाता, कई लोग हमें फॉलो कर रहे होते हैं, तो अपनी टीम का देखिए वो 7 अप्रैल का वो फॉलो कर रहे थे पंकज सर को, या पंकज सर उन्हें फॉलो कर रहे थे, तो वो कहीं गलती से होता है ना, छू ही जाता है, वो छूने में ही बस समझ लीजिए कि वो पर्सन आपका हो गया। इसीलिए बोलते हैं प्रमोशन करना मत रोको, वर्किंग करते रहो। संतोष कुमार जी प्लीज वेलकम है आपका। नमस्कार सर। जी जी संतोष सर नमस्कार। पूछना चाह रहा है कि ये जो एप्लीकेशन में किसी को स्कैनर भेज करके डाउनलोड करवा सकते हैं सर ना रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल, उसके बारे में जानकारी, क्योंकि लिंक से जो करा शेयर करते हैं तो वहाँ पर रेफर कोड भी द्वारा डालना पड़ता है ना ठीक। तो स्कैनर से क्या रेफर कोड डालना पड़ेगा या नहीं डालना पड़ेगा सर? वो तो बाय डिफॉल्ट उठा लेगा ना, स्कैनर अपना शेयर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उठाएगा आपका। लिंक में भी आपको मैं बता देता हूँ, लिंक में ये एक चीज शेयर की गई है यहाँ पर कि पहले क्या होता था दोस्तों, मोबीटेक का जो रेफरल लिंक है उसकी वैलिडिटी जो है ना, उसकी डेट जो है बहुत ज्यादा थी, अभी 24 घंटे की वैलिडिटी रह गई है। अभी आपका एप्लीकेशन आप खोलिए और वहां पर रेफर एंड अर्न में जब आप ब्लू कलर वाला होता है वहां जाके अपना फ्रेश लिंक निकालते हैं तो वो 24 से 72 घंटे तक वैलिड रहता है। उसके बाद वो क्या होता है कि वहां पर वो एप्लीकेशन तक तो ले जाता है लेकिन आपको मैनुअली अपना कोड डालना पड़ता है। ये पर्सनली मैंने ऐसा ऑब्जर्वेशन करके जो मेरे पास R&D करके जो रिजल्ट निकला वो बता रहा हूँ। तो जब भी आपको किसी को लिंक भेजना तो फ्रेश लिंक भेजो, अगर आप पुराना वाला लिंक भेजोगे तो उसको बार बार वो मैनुअली डालना पड़ेगा। अभी के लिए यही सॉल्यूशन है। और जो स्कैनर वाला जो आपने पूछा वो स्कैन का भी सेम ऐसे स्क्रीनशॉट भेजिए, वहां पर जाएगा, सेम यही प्रोसेस वहां भी चल रहा है। सर दूसरा सवाल कि मैंने 2 को प्राइम कराया है, उनका बार बार एक सवाल आ रहा है, अपने तरीका से तो हैंडलिंग करने का कोशिश किया लेकिन आप भी थोड़ा करेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब रिफ्रेश हो जाएगा। उनका कहना कि हम एप्लीकेशन में जो KYC कर रहे हैं तो आधार और पैन नंबर लग रहा है, जीमेल लग रहा है, ईमेल ID, तो कहीं मेरा हैकिंग यदि हो गया तो इसकी क्या गारंटी आप लेते हैं कि नहीं होगा? हमारा आधार पैन ले रहा है तो दिक्कत हो जाएगा अगर चल के, तो इस डर से हम नहीं आगे किसी को रेफर करेंगे। नहीं तो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। नहीं, वैसे वो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। देखिए अभी दुनिया में अभी देखिए यहाँ 98 दोस्त बैठे हैं, 98 दोस्त जब प्लान को प्रेजेंट करते हैं या किसी भी चीज की हम बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। इसी तरह सबकी सोच भी अलग अलग होती है, तो कोई बात नहीं, शक करना जरूरी है, ह्यूमन नेचर है, ये इंसानी फितरत है, जिज्ञासु भी होता है इंसान जानने के लिए कि कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए। तो यहां पर आधार कार्ड और KYC की संतोष सर आप बात कर रहे हैं, तो किसी से भी आधार कार्ड KYC लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मीटिंग में आप देखेंगे तो हमने कभी भी नहीं बताया कि आधार कार्ड और KYC ले लीजिए। अभी परसों भी 2-3 दिन पहले जो एक सेशन हुआ था रात के समय में, उसमें भी मोबी चेक में KYC वो सेल्फ अपने से ही करते हैं, मोबी चेक ले रहे KYC में जो करते हैं, तो मोबी चेक के पास जा रहा है ना आधार कार्ड और पैन कार्ड। सर मत दीजिए ना, आपको कौन कह रहा है KYC करने के लिए? आपसे KYC कब मांगी जाती है? आप एप्लीकेशन, चलिए अभी इस बात को ना इस स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने अपना रेफरल लिंक दिया, KYC मांगा या नहीं? हाँ या ना जवाब देते रहिए मुझे, ठीक है? नहीं मांगा। उस रेफरल लिंक को जब हमने उनको दे दिया या वो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके जब आ गए तो इस ड्यूरेशन में KYC नहीं मांगता। फिर वो अपना ईमेल ID डालते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, OTP आता है तो वहां भी KYC नहीं मांगता। फिर ईमेल ID डालते हैं, ईमेल ID डालने के बाद वो रेफरल कोड मांगता तो वहां आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, ठीक है? तो वहां भी KYC नहीं मांगता है ना। अब उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन ऑन हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं संतोष सर, हम लॉगिन पासवर्ड बनाते हैं, ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाते हैं, तो क्या वहां KYC मांगता है? नहीं, जवाब नहीं मांगता। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अगला स्टेप एड मनी में जाते हैं, उन्हें बताते हैं यहां से पैसा ऐड होता है, यहां पर से हम एड मनी करते हैं, तो क्या वहां पर हमारा सिस्टम KYC मांगता है? जवाब नहीं मांगता। उसके बाद हम अगला, उसके और आगे हम बढ़ते हैं, एड मनी करना समझाने के बाद हम मोबाइल रिचार्ज, DStv रिचार्ज, LIC प्रीमियम ये दिखा देते हैं कि भाई साहब अगला काम आपका यहाँ से होगा, जो हमने लॉगिन पासवर्ड, MPIN पासवर्ड, जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड हमने आपसे बनवाया वो इस्तेमाल करके आप अपना मोबाइल रिचार्ज करेंगे, तो क्या वहां पर KYC मांगता है? जवाब नहीं मांगता। अब इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, हम एप्लीकेशन में सबसे नीचे आ जाते हैं, वहां पर
आपका व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, तो हम उन्हें बता देते हैं कि ये जनाब टेलीग्राम है, यहाँ से आप मीटिंग में आ सकते हैं 3 बजे और 9 बजे हमारा ट्रेनिंग सेशन 3 बजे होता है, रात को बिजनेस प्लान सेशन होता है। तो क्या वहां पर केवाईसी मांगता है? जवाब नहीं, नहीं मांगता। तो अब इस सारे प्रोसेस में तो केवाईसी मांगा नहीं, चलिए 3 स्टेप और गिन लेते हैं। यहाँ पर यूजर बनने तक तो हम केवाईसी मांग नहीं रहे, इवन हम कैशबैक भी दे रहे हैं, और उस कैशबैक को बिना केवाईसी के वो पर्सन अगली एक्टिविटी में इस्तेमाल भी कर पा रहा है, ठीक है। अब अगर कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो वेलकम है, आप मोबिटेक में वर्किंग कर सकते हैं। 1180 रुपए आपने ऐड किया, आपने प्राइम मेंबरशिप लिया, क्या वहां पर केवाईसी मांगा? जवाब नहीं मांगा, ठीक है। तो उसके बाद जब आप टीम बना रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, वहां भी केवाईसी नहीं मांग रहा, तो केवाईसी कहां मांगता है संतोष सर? जब हम पैसा कमा लेते हैं और उस कमाने के बाद जब हम मोबाइल रिचार्ज में भी यूज कर चुके हैं, हर तरीके से मोबिटेक को परख चुके हैं, अब हम जाते हैं विड्रॉल लेने। जब हम विड्रॉल लेने जाते हैं तो क्या वहां पर केवाईसी मांगता है? तो जवाब है जी हाँ, वहां मांग लेता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो विड्रॉल किसके लिए ले रहे हैं? विड्रॉल कहां ले रहे हैं? विड्रॉल आप ले रहे हैं अपने अकाउंट में, विड्रॉल आप ले रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो भाई साहब, आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल लेंगे, आपको अब अपने बैंक का वहां पर डिटेल डालना है, तो भाई साहब आपको जिस अकाउंट में हमने पैसा देना है, तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए केवाईसी मांग रहे हैं, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए केवाईसी मांग ही नहीं रहे। हमने किसी को अगर पैसा देना है तो हमारा इतना तो अधिकार बनता है ना कि हम जान सके कि भाई साहब जिन्हें हम पैसा दे रहे हैं वो दोस्त कौन है, इंडिया के रहने वाले हैं या नहीं है, क्या उनके पास इंडिया का आधार कार्ड है, क्या उनके पास पैन कार्ड है। तो ये बेसिक सी बात है। तो अगर आप इस सिस्टम से उन्हें समझाएंगे तो डेफिनेटली उन्हें समझ में आएगा ये बात, ठीक है ना। तो आपका कहीं काम नहीं रुकता, केवाईसी मांगने की जल्दी मत कीजिए, प्राइम लेने की भी जल्दी मत कीजिए, हमारा सिस्टम अपने आप में इतना बेहतर से बेहतरीन है, ये सारे काम वो खुद करवा लेता है, सिर्फ आप ट्रेनिंग देने का जल्दी कर दीजिए। अभी सोचते हैं कि बिना केवाईसी का सर्विस उपयोग करेंगे तो हो पाएगा, क्योंकि बीच में हो नहीं पा रहा था। नहीं नहीं सर, हो पाएगा ना, क्या नहीं हो पा रहा, बिना केवाईसी के सारा काम हो पा रहा है, एक विड्रॉल ही तो नहीं हो पा रहा और बोनस पॉइंट नहीं मिलता हमें, विड्रॉल और बोनस पॉइंट दो चीजें ही तो नहीं मिलती, बाकी तो काम आप कर पा रहे हैं ना, आपका कौन सा काम रुक जाता है? 1000 रुपया तक ही होगा ना सर बिना केवाईसी के। मेरे भाई आप मुझे ये बताइए कि अगर आप 1000 रुपए का कंपनी आप पे ट्रस्ट कर रही है तो ताली तो दोनों हाथों से बजेगी ना, आपको भी तो एक कदम आगे बढ़ के चलना पड़ेगा ना, कंपनी कब तक आपको पकड़ के रहेगी? कंपनी ने तो अपनी ऑनेस्टी दे दी ना आपको कि भाई साहब लीजिए, अब एक स्टेप आपको भी तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी कोई इतना ही शकी होके बैठ जाएगा तो उन्हें वेट करने दीजिए, आप कुछ मत कीजिए, अपने डेली के जो पेमेंट के स्क्रीनशॉट है वहां डालने शुरू कर दीजिए, भले ही आप 1 रुपया रोज कमाते हो, कौन किसी को 1 रुपया तो देता है। मैं कहता हूँ मुझे डेली आप 1 रुपया देना शुरू कर दीजिए, यहाँ पर 100 दोस्त है, 100 के 100 दोस्त मुझे डेली 1 रुपया देंगे तो 100 रुपए कमाए, बीच में 1622 लोग हो गए तो 1622 लोगों से पर डे मैंने 1622 रुपए कमाया, कौन देता है किसी को मेरे भाई? कोई नहीं देता, मोबिटेक देता है। आप थोड़ी सी वर्किंग कर लीजिए, बस यहाँ पर रुपया स्टार्ट आपका, वो डेली का स्क्रीनशॉट भेजिए भाई साहब, ये देखो आप बैठ के इंतजार कर रहे हो, हम कमाते चले जा रहे हैं। जी सर, ठीक है जनाब। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए और कोई दोस्त, बलराज साहब मुंबई से मित्र आया है हमारे, बलराज जी स्वागत है सर आपका। सर गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग, बलराज चौहान मुंबई से। सर आप जो एप्लीकेशन को इतना बढ़िया से समझाते हैं, इसके लिए मुझे मतलब तहे दिल से शुक्रिया। सर हमारे एक परम मित्र हैं, वो उनका राम बहादुर चौरसिया नाम है, वो पान की दुकान खोले हुए हैं। आज जो है उन्होंने मतलब कहा कि मुझे मतलब ऑटोपोल से अपग्रेड करना है, मतलब वो क्यों क्या होगा इससे फायदा, तो बोले नहीं आप ही बताइए। तो उन्हें मैं बताया, बताने के बाद उन्होंने ऑटोपोल से अपग्रेड किया। तो हमारे जितने साथी लोग यहाँ मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप अपने सभी साथियों से मतलब पूरा कॉन्फिडेंटली आप खुद
खुद से अपना प्राइम कर ये ऑटो पोल से अपग्रेड कर लीजिए, और सभी साथियों को भी बताइए कि ये जो है नॉन वर्किंग इनकम है आपको, वो मतलब आने वाले समय में मतलब किस्त दर किस्त 15 किस्तों में आपको 500 कम 10 करोड़ रुपया पूरा आने ही वाला है। तो आप लोग आराम से इसे मतलब कर दीजिए, आपका इसमें कोई वर्किंग करना है नहीं, आप बाय सिस्टम आपको वो पैसा आपको मतलब आते रहेगा 500, 1000, 3000, 5000, 10000 करके ऐसे किस्त कदर किस्त आते रहेगा। तो सभी साथी मतलब सुन पा रहे होंगे, और बहुत से साथी लोग जो है मतलब इसको शक की दृष्टि से देखते हैं। तो मोबीटेक ने अभी मतलब एक अब दिया था कि डर के जैसा कोई वायरस नहीं, तो मुझे याद आया सर कोरोना काल में हम लोग जहाँ पे रहते हैं मुंबई में, वहां पे मतलब चारों तरफ से एरिया को घेर दिया गया था कि बाहर से कोई आदमी ना आए, बाहर से कोई आदमी ना आए। तो वो लोग टीवी पे देखते थे कि यहाँ पे इतने आदमी मर गए, वहां उतने आदमी मर गए, वहां उतने आदमी मर गए। तो जो लोग देखते देखते टीवी पे देखते देखते उसमें से 3 लोग वहीं से गायब हो गए, तो मतलब मर गए यानी दुनिया छोड़ के चले गए। तो डर जो है सर एक ऐसा वायरस है, ऐसा वायरस है कि जिसे मतलब निकाला नहीं जा सकता, उसको सिर्फ समझा जा सकता है। अगर जितना आदमी सोचेगा इसे भागने की कोशिश करेगा तो फिर भाग नहीं सकता, उसको सिर्फ समझिए, समझेंगे तो फिर उसका समस्या का समाधान हो जाता है। और हाँ, शंका तो मतलब थोड़ा बहुत डर तो आदमी को सचेत करने के लिए तो रहना ही चाहिए, ताकि आदमी हमेशा अपने आप को सचेत रखे। तो मतलब आप दोस्तों मतलब यहाँ पे मीटिंग में आए हैं, तो अपने सभी साथियों को मतलब हर रोज मीटिंग में लाइए, कम से कम 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक, जब तक आप मोबीटेक का पूरा एप्लीकेशन समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, तो किसी को आप सिखा भी नहीं सकते सर। मेरा और मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। और दूसरा चीज़ है कि ये अपने जो ज्ञानिक साहू जी का ये जो है खंभे उखाड़ दो अपने झंडे गाड़ दो, ये जो चीज उन्होंने दिया है बहुत ही अच्छा लगता है, और ये मतलब एकदम मतलब नए जोश के साथ है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो अपना एप्लीकेशन है, अपने देश का एप्लीकेशन है, तो अपने देश का एप्लीकेशन है यानी अपने देश को आर्थिक आजादी बनाने की एक रीढ़ है। आप मतलब इसे साधारण में मत लीजिए, इसे मतलब हल्के में मत लीजिए, अपने देश को मतलब यहाँ से सारा एजुकेशन सिस्टम को भी धीरे धीरे वो चेंज करने का एक मतलब रास्ता मोबीटेक के माध्यम से ही होगा। मोबीटेक का जो आकार है बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, इसे हम उतना नहीं समझ पाते। हमारे जो कंट्री हेड सर है और अपने कंपनी के जो ऑनर हैं वो सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और कंट्री हेड सर ने तो साफ साफ कह दिया कि मतलब ये कंपनी जो है आगे आने वाले फ्यूचर में हमेशा हमेशा के लिए डेडिकेटेड इंडिया के लिए ही डेडिकेटेड की गई है, और ये इंडिया के लोगों के भला के लिए ही इस चीज़ का निर्माण किया गया है। सर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू बलराज जी। चलिए दोस्तों अभी क्या बोले, चलिए एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं। संतोष सर ने जो सवाल किया था, अभी जिंदगी में जब हम आगे चल रहे होते हैं, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 95 दोस्त है, और ये 95 के 95 दोस्तों ने कभी ना कभी कुछ ऐसा अपनी जिंदगी में किया होगा जो मैं ये बताने जा रहा हूं। जब हम जिंदगी में आगे चल रहे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, दोस्तों बच्चे बड़े बूढ़े हर कोई मोबीटेक कर रहा है, और आप कोई भी है, आप मेल है फीमेल है, ठीक है, अगर आप मोबीटेक कर रहे हैं तो आपने अपनी जिंदगी में इस चीज को जरूर यूज किया होगा। जब भी डर लगे, जब भी हमें डर लगता है, जब हमें लगता है कि अभी डर क्यों लगता है, जब हमें लगता है कुछ गलत होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, हम चीज को रिपीट करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है, और हमें पता भी नहीं लगता कि हमने रिपीट कर लिया। अभी कैसे करते हैं, इस चीज को एग्जांपल समझाते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जब हम भी छोटे थे, जब स्कूल जाते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों, जब बच्चा गिनती बोल रहा होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह करके जब गिनती बोल रहा, तो बच्चा बोलते बोलते कई बार भूल जाता है, ABCDEFGH करते हुए भूल जाता है। तो
जब हम भी बच्चे से थे तो ये सवाल अपने आप से कीजिएगा आप, तो क्या आपने कभी ये रियलाइज किया कि जब आप कोई चीज भूलते हैं तो आप अगेन, मान लीजिए कि आप ए बी सी डी ई एफ जी के बाद अगर एच भूल गए तो आप क्या करते, दोबारा से पीछे से आ जाते, फिर उसको जल्दी जल्दी मनी में गिनना शुरू करते थे ए बी सी डी एफ, और वो अचानक से आपको याद आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर अभी जो संतोष सर को जो आंसर दिया गया, बलराज जी ने बोला जो एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से बताया, वो दोस्तों कोई मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत अच्छा तरीका है, वो बस एक बेसिक मैंने यूज किया, जो बचपन में कभी मैं गिनती भूल जाता था, मैं एबीसीडी बोलता था तो मैं एबीसीडी अगर भूल जाता था तो मैं मनी मन में उसको रिपीट करता था, मैं दोबारा से शुरू कर देता था। और जिंदगी भी लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब आप 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल किसी भी उम्र में पहुंचते हैं तो आपको लगता है यार ये चीज गलत हो रही है, तो आप पीछे से सोचना शुरू करते हैं, आगे से तो सोचा ही नहीं जाता, पीछे से सोचना शुरू करते हैं कि मैंने पीछे कहां गलती किया। ठीक है, और उसको करते हुए करेक्ट करते हुए आगे तक बढ़ जाते हैं। तो हमने अभी यहां पर सेम यही फार्मूला लगाया, संतोष सर ने एक सवाल किया और उस सवाल में फार्मूला क्या लगा, हमने मोबिटेक को बेस से पकड़ लिया कि हमारा मोबिटेक का ए क्या है, कि हम क्या करते हैं सबसे पहले लिंक दे दिया, अगला स्टेप ऐसे किया, उसके आगे ईमेल आईडी, उसके आगे रेफरल लिंक, उसके आगे एड मनी, लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, मोबाइल रिचार्ज, टेलीग्राम, और फिर हम मीटिंग तक ले आए। तो बस यहां पर तक का ही मेहनत है। तो हमने जो लोग डर रहे थे क्योंकि वो बेस जानते ही नहीं थे, उन लोगों को एक बेस से समझाना स्टार्ट कर दिया कि ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है। आपसे कोई दोस्त मिलता है ना, आप उसको बोलोगे कि आ मेरे पास बैठ, मैं तुझे 100 करोड़ रुपए कमवा देता हूं, 1 करोड़ रुपए कमवा देता हूं। उससे 1 करोड़ रुपए की बात करने से पहले आपको भी पता होना चाहिए कि 1 करोड़ रुपए कैसे कमाया जाता है, और 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए गिनती को एक से ही शुरू करना पड़ता है। तो जस्ट एक ये बेसिक फार्मूला है, इस फार्मूले को ना सिर्फ मोबिटेक में, कभी आप अपनी लाइफ में भी यूज करके देखना दोस्तों, आपकी या सामने वाली की लाइफ में कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझा पाया होगा अपनी बात। ठीक है, चलिए संजय यादव जी को बुला लेते हैं। जी संजय यादव जी, वेलकम है आपका, सेशन को क्लोज करते हैं, माफी चाहता हूँ थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया, ओवर टू यू संजय सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा, हो जाता है ऐसा कुछ नहीं सर, और आपसे सीखने को मिलता है। तो साथियों जिस तरह से आप बने हुए हैं, तो मैं याद दिला दूं आज का सेशन होगा खास, उन महान तस्वीरों का आज का आपको दिखाया जाएगा जिन्होंने 1 रैंक से 2 रैंक कैसे पहुंचे। वाह क्या बात है, आप ही की तरह वो बैठते थे दोस्तों, सुने जाने परखे और आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे, उनकी तस्वीर को देखेंगे आज। और आज विशेष खास ही है दोस्तों, आप आइए बने रहेगा नाइट के सेशन में, हम मिलते हैं अभी के लिए, तब तक के लिए बिल्कुल खुदा हाफिज, गुड बाय। मेरी तरफ से क्लोजिंग करता हूँ तो, और पुनः इनवाइट करता हूँ, आइए सर और अपन नाइट के सेशन मिलते हैं। थैंक यू, ओवर टू पंकज महाजन जी। ओके, थैंक यू संजय सर, थैंक यू दोस्तों एलडीपी की तैयारी कर लीजिए, बोनस पॉइंट को कलेक्ट कर लीजिए, यकीन मानिए बहुत बड़ा होने वाला है। जो दोस्त एलडीपी तक आएंगे दोस्तों, वो इस एलडीपी को, एक तो मोबिटेक का सबसे बेहतर एलडीपी होगा, और जितने भी दोस्त एलडीपी में आएंगे दोस्तों 360 डिग्री उनकी लाइफ में 360 डिग्री तक का चेंजेस आने वाला है दोस्तों, एक यू टर्न मिलने वाला है यहां पर। अगर आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं तो इस एलडीपी को अचीव करके एटलीस्ट एलडीपी तक आ जाइए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं रात को 9 बजे, मेरी तरफ से नमस्कार, पंकज महाजन दिल्ली।